हेलो नमस्कार, वेलकम टू शायद मात्रा चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बारे में बात करना था। इसका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये था कि एलएलएम का फॉर्म आउट हो चुका है, आप इसके एलएलएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 15 सीटें अवेलेबल हैं, 15 सीटों में 12 जो है आर्मी पर्सनल वार्ड्स के लिए रिजर्व है, 2 जो है पंजाब सिविल रेजिडेंट्स कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 1 सीट ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी के लिए है। तो आप अगर रिस्क लेना चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस होना नहीं है, काउंसलिंग ऑनलाइन होगा। जो आपके एलएलबी के मार्क है उसी के आधार पर प्रिपेयर करके फिर मेरिट के लिए काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाएगा, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा किसको कंसीडर करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था इसमें आपके लिए। इसमें आप जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से क्लिक कर जो है आप देख सकते हो क्या प्रोसीजर क्या है। मिनिमम 55% मार्क आपके एलएलबी में होने चाहिए, आप बीए एलएलबी की हो या एलएलबी 3 ईयर हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है 16 अगस्त है, तो 16 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद जो है एडमिशन का प्रोसीजर आगे फर्दर नोटिफाई किया जाएगा इसके वेबसाइट के थ्रू। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, फॉर्म फिलिंग का लिंक भी दे दे रहा हूँ और जो है आपका वेबसाइट का भी लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक कर विजिट कर सकते हो। वन ऑफ द प्रेस्टीजियस लॉ इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो आप प्रीफर कर सकते हो, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और लीगल रिसर्च के मामले में भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये एलएलएम के लिए, बीएलएलबी के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत से लड़के इसका फॉर्म फिलअप करते हैं, स्पेशली फॉर आर्मी पर्सनल वार्ड 100 सीटें अवेलेबल हैं, उसमें जो है जो 20 सीटें अवेलेबल हैं, देखो 100 सीटें अवेलेबल हैं जिसमें जो है आर्मी पर्सनल वार्ड्स और ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी का एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है बीएलएलबी के लिए, एंड जो है पंजाब सिविल रेजिडेंस कैटेगरी जो है उनका जो है एडमिशन जो है जो गुरु नानक देव द्वारा कॉमन पंजाब लॉ एडमिशन का मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है उसी के आधार पर होता है। तो इसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन देना था कि अगर इनकेस आप पंजाब से बिलोंग करते हो और आपका इस एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन नहीं हो पाया है, अप्लाई कर सकते हो अगर पंजाब के आपके निवासी हो तो। मेरिट लिस्ट के आधार पे वहाँ पे एडमिशन पाने का एक मौका है, 20 सीट अवेलेबल है पंजाब सिविल रेजिडेंस कैटेगरी के लिए, प्रेस्टीजियस अपॉर्चुनिटी है आपके पास। फॉर्म फिलिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, पंजाब कॉमन लॉ एडमिशन का जो है लिंक। उसके अलावा इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है 16 अगस्त है, 16 अगस्त तक आप फी पेमेंट कर सकते हो जो एप्लीकेशन फी है, इसके बाद 17 अगस्त तक आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। 18 अगस्त को जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है टेंटेटिव जो है शेड्यूल जो जारी किया गया है उसके आधार पे पब्लिश की जाएगी, उसके बाद एडमिशन का फर्दर प्रोसीडिंग कंप्लीट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था इसके रिगार्डिंग। कोई एलएलएम के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि 1 सीटी ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी है, लेकिन अगर आप आर्मी पर्सनल वार्ड्स हो यानी कि आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके फादर मदर कोई एक आर्मी में सर्व कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन बेनिफिट है, 12 सीट अवेलेबल है आपके लिए वहाँ पे एलएलएम के लिए, तो जरूर अप्लाई करना आप जो है। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। जय हिंद।